राजधानी रांची में एक बार फिर दुकान में आग लगा है। अभी इस वक्त खड़ा हूँ गढ़ीखाना चौक के पहाड़ी मंदिर वाले रास्ते में। आपको दिखाना चाहूँगा कि ये दुकान बैटरी का था और बैटरी में शॉर्ट सर्किट का बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट में होने पर आग लगी है। क्या कुछ है स्थानीय लोगों से जानकारी लेंगे, यहाँ पर थाना से इंचार्ज भी आया हुआ है, क्या बताया जा रहा है सर? अभी तो अंदर में लगा है आग, अंडरग्राउंड में है, बैटरी रखा है, इन्वर्टर रखा है इस समय, और बोला है कि शॉर्ट सर्किट से लगा है। वो तो बुतने के बाद ही पता चलेगा, जहाँ चल रहे पानी मारा जा रहा है, लेकिन अभी अभी आग का आग पे काबू पा लिया गया है कि मतलब 70% कर लिया गया है, 30% है मैंने बुझा दिया गया, लेकिन धुआं काफ़ी है, अंडरग्राउंड है, चलते कठिनाई हो रहा है। बैटरी का दुकान पर ये बैटरी का बैटरी इन्वर्टर का जी बिल्कुल। आपको दिखाना चाहूँगा कि अभी भी अंदर से जो धुआं है वो धुआं निकल रहा है, लेकिन आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि जो अग्नि जो है वो प्रयास कर रहे हैं आग बुताने के लिए, लेकिन अभी तक कितना कामयाब हो गया? काबू हो गया है। ये काची का धुआं अंदर में काफ़ी बैटरी उठरी, हाँ वही कार्टून वटून का है। अच्छा, हमारे साथ अग्नि बताने वाले के सर बताइए ना। अरे रुको भाई, अभी रुको ना जी। यहाँ पर लगभग दो दमकल गाड़ी आ चुके हैं और एक दमकल गाड़ी को बुलाया जा रहा है। हालांकि अंदर से सूचना मिल रही है कि आग पर काबू पा लिया गया है। अब देखना है कि वो जो दमकल गाड़ी आ रहे हैं तब तक आग पर पूरी तरह से काबू हो सकता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि और स्थानीय लोगों से पूछने की कोशिश करेंगे कि ये आग जो दुकान में है कैसे लगी। और अपना सहयोगी विकास से कहेंगे कि आप एक दमकल गाड़ी है जो वो दिखाने की कोशिश करें और देख सकते हैं कि आप जो जिस जगह पर जो आग लगी है उस जगह पर काफ़ी, हालांकि स्थानीय लोगों के द्वारा ये सूचना दिया गया था दुकानदार को कि आपका दुकान से धुआं निकल रहा है, और स्थानीय लोगों के द्वारा से दमकल गाड़ी को भी बुलाया गया। दमकल गाड़ी आते के साथ जो दुकानदार है वो पहुंच गए हैं, पहुंच करके और शटर खोले हैं, शटर खोल करके
सारा चलेंगे। हालांकि फायर ब्रिगेड का जो ये लोग हैं वो लोग बोल रहे हैं कि आग पर काबू पा लिया है। अब देखना होगा कि कितना जल्द आग पर काबू पाते हैं या नहीं। सहयोगी विकास के साथ मुर्शीद, न्यूज़ 22 को रांची।